पापा जी आपको पता है आज घर पे रिश्ता देखने वाले आ रहे हैं। मेरा टेडी का रिश्ता लेने जाना है मिर्ची से। ऐसे भी रिश्ता कर लेंगे आखिर हम लड़के वाले हैं। आ गई भाई मिर्ची बरका चांद जमीन पर। ये जो है मेरा 2 मिलियन का गिफ्ट है। मैं तो चंड ना रखा मुंह ते। हाय मैं मर गई। माँ कॉल खलोती है ते मिर्चू ने मेरे को बावा नाल बावा डाल के पीछे लड़के वालों को घर बुला के बेइज्जती हो रही है। बरका रेट भी हमने पकड़ लिया। बारिश उल्टे रुकी और मैं उड़ गई। वेलकम टू फातिमा फैसल व्लॉग्स। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। यार आज जो है ना मेरी दोस्त ने लंच रखा हुआ था, खैर अब तो डिनर हो जाएगा, लेट हो गए हैं काफी। जैनब मैं हया जो है ना फ्रेंड के साथ बाहर जा रहे हैं कहीं खाना पीना खाने, नीचे जाके देखते हैं घर पे क्या चल रहा है। सो लेट्स गो। गुड मॉर्निंग मम्मी। मम्मी को छोड़ो, पापा जो है ना यहाँ पे स्टीम ले रहे हैं क्योंकि पापा की जो है वो तबीयत नहीं सही और काफी फ्लू हुआ हुआ है। मुझे तो पहले लगा कोई हॉरर प्रैंक कर रहे हैं मेरे साथ, लेकिन नहीं, हॉरर प्रैंक नहीं है, वो स्टीम वगैरह ले रहे हैं। अंडा उबाल रहे अपने सर को अंडा कह रहे हैं और वो उबल रहा है। चले कोई नहीं, ये स्टीम लेके गला काफी बेहतर हो जाएगा। और ये देखो यहाँ पे रेडी होके वीडियोस बनवा रही है। और इसका कैमरामैन कौन है? ये ट्राइपॉड और साथ में हया बेचारी बिठाई हुई है। मामा की यहाँ पे एक्सरसाइज चल रही है। अपने जमाने के यहाँ पे गाने लगाए हुए हैं, पता नहीं कौन से और कितने पुराने, और यहाँ पे फुल ऑन एक्सरसाइज चल रही है। थोड़ा बहुत नाश्ता दे दे मामा। पापा का मुंह तो सारा स्टीम से भर गया होगा। हाँ अब तो हीट भी उठ रही है उसमें से। हो गया सही फ्लू के नहीं? अभी हो रहा है, हो जाएगा, ले ले स्टीम। हिरा का यहाँ पे नाश्ता चल रहा है भाई। पुराने नान के ऊपर घी लगा के गरम किया हुआ और साथ में मटन का सालन। नम 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 नम। और एज यूजुअल राबिया जो है अपना नाश्ता देख रही है कि आज क्या क्या खाने में आया हुआ। राबिया को आज भाई खूब सारे डिब्बे आए हुए हैं खाने के। नहीं वो स्नैक्स के ज्यादा आया ना, ये भी पता नहीं क्या आया हुआ। आज तो बीफ स्टेक आई है। राबिया का जो है आज का ये खाना आया पूरे दिन का, चावल, पता नहीं चाइनीज, चाउमीन, पराठा रोल और साथ में स्टेक वेक। तेरे मजे लगे हुए हैं। अब खाती हूँ मजे से। तो यार फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ। ये दोनों लड़कियां भी टाइम से ही आज रेडी हो गई हैं। चलो अब निकले। शुक्र करो पहली बार तुम टाइम से रेडी हो, वरना तुम हमेशा लेट करती हो। आज हम लोग गाड़ी पे नहीं जा रहे भाई, उबर पे जा रहे हैं क्योंकि गाड़ी चलाना इज डिफिकल्ट थिंग। तो ये बच्चियां यहाँ पे रेडी खड़ी हुई है, हेड टू टो इन लोगों की ये लुक है। कैजुअल एज यूजुअल। कैजुअल क्या मतलब, और हम दुल्हन बन रहे हैं यहाँ पे। सो गाइस इट्स माय फुल लुक, काफी कूल लग रहा है। आप भी एज यूजुअल कैजुअल। चलो भाई दरवाजा बंद करते हैं। ये हमारी छोटू सी जो है डिब्बी आ चुकी है। गाड़ी कितनी छोटू लग रही है, स्मॉल सी। इसमें हम तीन लड़कियां फिट होकर बैठती हैं। खोलो। हम तीनों जो है वो गाड़ी में बैठ चुकी है, पीछे खुली ढुली होकर और हाथ में अपने ऊपर का रेट भी हमने पकड़ लिया। पता नहीं कितना बनता है। 1000 रुपया मम्मा ने भी दिए। सही मम्मा। ये 1000 रुपया रेंट नहीं बनेगा मेरा ख्याल है, 2000। लेकिन मैं इतना रिच हूं कि मैं ऑनलाइन दे दूंगा अंकल को पैसे। एडी तू रिच। हेलो। तो यार हम लोग यहाँ पे उतर चुके हैं और सारा भी हमें मिल चुकी है। 4 घंटे से मैं 4 बजे का मैंने इसको कहा हुआ था और मैं 7 बजे पहुंची हूँ। आई एम सॉरी। ये लो सॉरी। ठीक है माफ किया। आज हम फातिमा की 2 मिलियन सेलिब्रेशन करेंगे और साथ में वो भी करेंगे ग्रेजुएशन वाली। वाह जी वाह। सारा को याद है यार, घर वालों को याद नहीं था 2 मिलियन की सेलिब्रेशन करने, लेकिन सारा को याद था। आज इसने मुझे इसीलिए बुलाया था स्पेशल 2 मिलियन की सेलिब्रेशन करने। देखते हैं कैसा कोई केक वेक है। अभी आराम से जाके जगह पे बैठते हैं और फिर हम थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन भी कर लेते हैं। ये पूरा सिटिंग एरिया है जो सारा ने मेरे लिए बुक करवाया हुआ था 2 मिलियन की सेलिब्रेशन के लिए। ये जो है मेरा 2 मिलियन का गिफ्ट है और ये साथ में कुछ आया है प्यारा सा और साथ ग्रेजुएशन की फोटो है वही मेरी इतनी प्यारी सी। इसमें कोई केक शेक अभी निकलेगा, गिफ्ट भी देखते हैं। इतना प्यारा, इसके ऊपर लिखा हुआ है मेक अ विश और इसके ऊपर हम कैंडल चलाएंगे और अच्छी सी विश मांगेंगे। सारा इतना 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 क्यूट सा अरेंजमेंट किया है यार। पिक्चर लेते हैं और अभी हम देखते हैं हमें गिफ्ट में क्या मिला है। तो ये हम लोग का खाना आ चुका है। मेरी यहाँ पे मोरक्कन स्टेक है मजे की, यम 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 यम, और ये यहाँ पे सैंडविच है। काफी ज्यादा मजे का लग रहा है। The next day. यार कल दोस्तों के साथ घूम फिर के मैं जो है घर आ गई थी, लेकिन मैंने व्लॉग को आगे नहीं बनाया था क्योंकि तबीयत थोड़ी मेरी डाउन थी। तो फिर मैंने सोचा कि आज हम व्लॉग बनाएंगे और आज का व्लॉग है ना वो ये है कि हमने टेडी का रिश्ता लेने जाना है मिर्ची से। बहुत से लोगों ने कमेंट किए थे यार कि मिर्ची की शादी करना है टेडी से क्योंकि मिर्ची जो है ना घर की देखी वाली लड़की है। अभी फिलहाल जाएंगे रिश्ता विश्ता लेने। उससे पहले हम थोड़ा ये कपड़ों का शूट वूट करना है, रेडी शेडी हो जाते हैं प्यारा सा बन के, इन्हीं कपड़ों में रिश्ता लेने चले जाएंगे। क्यों भाई टेडी? ठीक है ठीक है। फिलहाल नीचे जाके नाश्ता वास्ता ठूसते हैं और दोस्त ने जो कल गिफ्ट दिया है वो भी आपको दिखाते हैं। उसके बाद देखते हैं घर पे क्या चल रहा है। सो लेट्स गो। गुड मॉर्निंग मम्मी।
नहीं है, ये मॉर्निंग नहीं है, जो भी आता है गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। आई नो ये इवनिंग है, इवनिंग है। आज इतना तैयार हो के क्यों आई? आज जो है मैं रिश्ते वाली हूँ ना, लड़के वालों की तरफ से हूँ, आज मेरे टेडी का रिश्ता लेना है ना, इसलिए तैयार हुई हूँ। अच्छा, रिश्ता किसने देना है तुझे? वन एंड ओनली राबिया की मिर्ची का आज हम रिश्ता लेने आएंगे, फिर देखते हैं क्या शुगल मेला लगता है क्या नहीं लगता। राबिया इनकार कर देगी, उसने कहना मैंने नहीं एडे मोटे टैडी ने रिश्ता देना। वो तो देखते हैं कि राबिया इनकार करती है या मैं इनकार करती हूँ। तू तो लेने आई हुई है, कह रही मैं रिश्ता लेने। अभी मेरा टैडी नहीं आया, टैडी अभी आएगा, मिर्ची सामने बैठे उनकी मुलाकात होगी और फिर आगे मेरी और राबिया की इंटरेक्शन होगी, रिश्ते पे थोड़ी बहस बहस चलेगी, प्रॉपर हम डिटेल में बातें करेंगे, ना समझ आई तो रिश्ता कैंसिल। मैं वेच पवांगी, मैं करता वड्डा। ठीक है, डन। चलो जी, पापा भी आ चुके हैं, लेकिन ग्रोसरी वगैरह लेकर, ग्रोसरी करना तो वैसे मामा का बनता है, घर की सारी चीनी दाल आटा घी खत्म हुआ हुआ मामा को लेके आना चाहिए। वालेकुम सलाम। लेकिन लेकर पापा आ रहे हैं सारी ग्रोसरी, टिश्यू पेपर, घी, नमक, परफ्यूम और क्या क्या क्या, देखते हैं कि आज घर की ग्रोसरी में क्या क्या आया। परफ्यूम नहीं ले गया? परफ्यूम नहीं यार, वो क्या ही सबको कहते हैं, एयर फ्रेशनर, सॉरी, वो मैंने देख लिया पैकेट में से है कहीं नहीं। अरे पागल हो गई। पापा जी, आपको पता है आज घर पे रिश्ता देखने वाले आ रहे हैं? मेरा नहीं नहीं नहीं, गेस करें किसका रिश्ता देखने आ रहे हैं? पता नहीं। अरे ज्यादा कुछ नहीं, राबिया की मिर्ची का रिश्ता जो है मेरा टैडी देखने आ रहा है। गुड्डा गुड्डी का खेल रचाया हुआ है। जान छुटे मिर्ची से, तो जान छुटे था कि उत्ते आके रह ले। और ये देखो मामा अपनी देसी टोटकों से बाज नहीं आई है, फिर से जो है ना कपड़े इधर डाइनिंग टेबल पे यार सुखा दिए, मतलब कुछ भी। जिस तरह तू अपनी चलाकियों से बाज नहीं आती, इस तरह मैं भी देसी हरकतों से बाज नहीं आती। हाँ, आप भी देसी हरकतें ही करो, जो दिल चाहेगा मैं करूँगी। ठीक है मम्मी, ओके। भाई माएं तो घर की एक्चुअल बॉस होती है, उनको कुछ कह के हमने कहा जाना है? पापा ने कहना एक तो मैं ग्रोसरी भी करके आवा, दूजा बोतलों के बीच जेड़ा है वो मटीरियल भी मैं ही भरा। ठीक है, बस मामा वहां पे बैठे फोन यूज कर रही है और टिकटॉक देख रही है, और टिकटॉक देख के कह रही है मामा को पता चला सलमान खान और ऐश्वर्या राय की शादी होने वाली है, और कह रही है ऐश्वर्या राय को डिवोर्स हो रही है, बस मामा को इस चीज का ही पता हो रहा है। टिकटॉक का झूठ। मेरी बहनों ने आइंदा के बाद मुझे कोई भी सूट या कपड़ा पहनने नहीं देना यार, उस दिन यहाँ पे चाय गिर गई थी याद करें, जींस खराब के तुमने ये कर दिया, चाय ही है, चाय धोया था, धोने से उतरी नहीं है चाय यार, चाय का दाग नहीं उतरता कभी भी जीन से। लेकिन ये फातिमा तुमने किस तरह उसी टाइम को साफ करती ना, तू तो जाता। तुम्हें पता है मुझे किसी ने बोला था जब आप चाय पीते हो ना तो फौरन दांत ब्रश कर लिया करो, नहीं तो चाय का दाग भी जो है ना दांतों पे रहता है, इसलिए दांत पीले लगते हैं। सही बात है, ये बोलता भी है, ये अच्छी लॉजिक है, बड़ी अच्छी बात की, खुद ही अप्लाई करे अपने ऊपर आप। चलो यार, तो फाइनली वो घड़ी आ गई है जब हमने जो है टैडी का रिश्ता मिर्ची के लिए लेकर आना है, अब जो है टैडी को जाकर रेडी शेडी करते हैं और उसको नीचे लेकर आते हैं और रिश्ते के लिए पेशकश करते हैं। इस उम्र में मेरी शादी हो जानी चाहिए, सही है, लेकिन मैं टैडी की शादी करवाने को पड़ी हुई हूँ, समझ रहे हो, समझ रहे हो? हाँ जी, फिर तैयार श्यार हो जानी चाहिए रिश्ते के लिए। वो तो अंदर से कब से मचल रहा है कि इसकी बस शादी करवा दो, इसको वेस्टकोट पहनाती हूँ प्यारी सी, इतने सारे कपड़ों में ना, ये देखो ये रही पापा की वेस्टकोट, मैंने संभाल के रखी हुई थी अपने टैडी के लिए, रिश्ता देखने जा रहे हैं इसलिए अभी यही वेस्टकोट पहनेंगे, शादी वाले दिन तुझे जो है ना वो शेरवानी पहनाएंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसको पूरी आ जाएगी, लेकिन इसको पूरी आ गई है, शादी से पहले काफी इसने डाइटिंग वगैरह की है पतले होने के लिए, क्योंकि ना इसको था कि शादी से पहले मैं बस पतला हो जाऊं। पूरी आ गई है, ये वेस्टकोट भी इसको बस थोड़ी सी छोटी है, बटन देखे बंद नहीं हो रही है, देखे खा के मोटा हुआ, पेट अंदर का रखना, समझ ही नहीं आती, मैंने कहा था शादी के दिन करीब आ रहे तो मत खा, लेकिन नहीं, खाना भी इम्पोर्टेंट है, रोज रात को बर्गर शोरमे कुछ ना कुछ तो इसने खाना था, नाक कटवाएगा रिश्ते वाले दिन मेरी। चलो कोई नहीं, ऐसे भी रिश्ता कर लेंगे, आखिर हम लड़के वाले हैं। सांस अंदर का, इसका जरा मैंने सांस रुकवाया हुआ है, बस किसी तरह इसका बटन बंद हो जाए, शादी के बाद बेशक जितना मर्जी तू मोटा हो जाए। चलो भाई, बटन बंद हो गया वेस्टकोट का, बस फटे ना अब ये। चलो भाई, हमारा टेडी रेडी हो गया रिश्ते के लिए, अच्छा लग रहा है। ये हमारे रिश्ते वाली आंटी हैं जिन्होंने हमारा रिश्ता करवाया मिर्ची के साथ। हाँ हाँ, मैंने ही कहा था घर की लड़की है तो रिश्ता करा देते हैं मिर्ची का, इसके लिए अच्छी अच्छा रहेगा। मैं तो तैयार हुई हुई हूँ, इतना ज्यादा हीरा भी आज रेडी हुई हुई है, भालू कितनी खुशी। रिश्ते कराने वाली आंटी हूँ आखिर, इस उम्र में हमारी शादी होनी चाहिए जिस उम्र में हम गुड्डा गुड्डी के खेलों में पड़े हुए हैं। बात नहीं, ये भी जिंदगी का मजा एंजॉय करो। ओ वाओ, अभी आज जो है टेडी का रिश्ता लेके आना था मैंने मिर्ची के लिए, और मुझे लग रहा है अल्लाह की तरफ से इंडिकेशन मिल रही है कि हो जाए ये रिश्ता। इतना प्यारा मौसम हो गया, बारिश हो रही है, अच्छा रोमांटिक काइंड ऑफ मौसम यार, बारिश हो रही है आउट ऑफ नो वेयर राबिया, नहीं नहीं मतलब अपनी पोस्ट पे क्या करने लगा, अंबर का चांद जमीन पर इतना।
अभी हम कह रहे थे काफी गर्मी हो रही है, हीट हो रही है, लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला ने बारिश बरसात दी। थैंक यू सो मच। कहते हैं जब बारिश होती है ना तो अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं, मतलब कि मैंने अच्छे काम कर दिए, शुक्र है, थैंक यू अल्लाह। तीन चीजों से अल्लाह ताला बताते हैं कि मैं खुश हूँ, अगर बारिश हो रही होती है, घर पे बेटी होना और घर पे मेहमान आना। मतलब कि हमारे घर में तो अल्लाह में खुश है, मतलब वही बारिश तो वाकई काफी तेज हो रही है और काफी प्यारी लग रही है। इधर मामा पापा भी जो है बाहर आके बैठ गए हैं और बारिश का जो है वो मजा उठाया जा रहा है। खूब अच्छी बारिश हो रही है ना, इस तरह बैठ के कॉफी पीने का और बारिश देखने का प्लान। मामा कॉफी तो आप पी चुकी है, कप लगता है खाली है ना मामा, कॉफी दो मिनट में पी गई है, बस मौसम इंजॉय हो रहा है। ये बारिश आने का ये मतलब है कि सर्दियां आ रही हैं, अब सर्दियों के कपड़े जो है निकाल लें। मेरा ये न्यू स्टाइल है। हाँ, न्यू हाथ लगा लूं। अच्छा लग रहा है पापा जी, गुड लग रहा है, डिफरेंट आदमी बन रहा हूँ। सबने कमेंट में बताना है कि पापा का ये हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है, और सबने यही कहना है कि अच्छा लग रहा है। इसी दिन के लिए लगा था ये शेड कि जो है बाहर बारिश होती रही और ये गाड़ी जो है ना अंदर सेफ रहे और वो ऊपर आराम से बारिश बाहर। अम्ब्रेला पकड़ लिए, अब जरा जो है ना मैं मिनी ट्रिप पे जा रही हूँ बाहर। नहीं जाना बाहर, नहीं पापा जी, बाहर मजा आएगा ना, बस अम्ब्रेला लेके जा रही हूँ, थोड़ा सा घूम के वापिस आ जाऊंगी। चले जाऊँ ना मिनी ट्रिप पे, मामा को अपने पौधों की पड़ गई है, कोई बात नहीं, मैं बस मिनी ट्रिप से अभी वापिस आ रही हूँ। घर के बाहर जो है ना वो सारा पानी इकट्ठा हो गया है बारिश का, देख रहे हैं पापा जी, सारी गाड़ियाँ भीग रही हैं, बस एक सेंटा क्लॉस नहीं भीग रही हमारी, काफी सेंटा भी देख रही हैं, बारिश इतनी हो रही है, अभी भी हो रही है, मैं तो खैर मिनी ट्रिप पे जा रही हूँ। मेरे नीचे पानी चेक करो, नदियाँ बह रही हैं, इधर बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया है, ये तो बार यार नदियाँ ही बह रही हैं। मैं लेकिन आगे को जा रही हूँ, मैं मिनी ट्रिप लेकर रहूंगी एट एवरी कॉस्ट। वाह, सावन ने आज तो मुझको भिगो दिया, हाय मेरी लाज ने मुझको डुबा दिया। छम 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 मैं नाचूंगा आज, छम छम छम। मैं तो मिनी ट्रिप पे आई हुई हूँ, बस मेरा फोन और कपड़े ना भीगे और अम्ब्रेला तो भीगी रही होगी यार, कितना अच्छा लग रहा है यार, बड़ा ही मजा आ रहा है बारिश का। बारिश उल्टे रुकी और मैं उड़ गई, मैं गीली हो गई सारी की सारी, भागो बारिश से, भागो भागो भागो, ठंड लग रही है यार, इससे पहले मुझे बुखार ना चढ़ जाए, अल्लाह प्लीज बुखार ना चढ़े। ये मिनी ट्रिप पे आने का प्रोग्राम तो मेरा गलत था यार, नहीं आना चाहिए था, सारी नीचे से मेरी टांगे जो है ना वो गंदे पानी कीचड़ से भीग चुकी है। मेरी यार इधर ही अड़ गई यार, बंद हो गया, घर वालों को लगेगा हवा से हुआ है, लेकिन मेरी टांग का कारना मैं। चल तेरी अब छुट्टी, तेरा सिर्फ इतना ही काम है तूने बारिश में मदद करनी है, अदरवाइज ऐठे ही पई रहा, जूती भी गीली होगी, अंदर लेके जाएंगे तो डांट पड़ेगी, इसीलिए पैरों को जो है इधर ही सुखाते हैं। ला 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 ला। बाहर तो बहुत ही अच्छा मौसम है। खड़ी हो, पानी इधर आ जाएगा सारा। मामा कोई बात नहीं, सुखा देंगे, पानी है, कौन सी शराब है यार। इधर खड़ी हो जाती हूँ। नहीं मैट की ला। मामा मैट होता किस लिए? वहाँ खड़ी हो। घर वालों ने घर से ही बाहर निकाल दिया यार। अच्छा हेल्पर को कहकर ड्रायर ही भिजवा दे, टांगों पे ड्रायर मार लेती हूँ, सूख जाएंगी टांगे। तो भाई हम लोग आ चुके हैं टेडी को लेके नीचे, अच्छा खासा तैयार करके। अभी ना तो हमें यहाँ पे मिर्ची की माँ दिख रही है और ना ही हमें मिर्ची दिख रही है, ये इज्जत है रिश्ते वालों की। नहीं, नहीं, पहली बात हमने कहा है कि इसका रिश्ता लेके आओ यार, बहुत से लोगों ने कहा था इसकी शादी, लग रहा है इतना खोते जितना तुम अपना लड़का लेके आई हो, और तुम्हारे आगे हम समोसे रखे, चाय रखे, किस खुशी में? साल लड़का भी ले आई है, हमें रिवाज नहीं है लड़का साथ लाना। हीरा तुम भूलो मत कि तुम जो है ना वो रिश्ते करवाने वाली हो, मिर्ची की माँ नहीं हो, ठीक है? ये सब मिर्ची की माँ को कहने का अधिकार है, तुम्हें नहीं। मैंने वैसे ना रिश्ता करवाने से पहले मिर्ची देख ही नहीं थी, अब मैंने मिर्ची देख लिया है, सोनी एडी क्यूट, ते मैं तेरा मुंडा भी नहीं वेख्या सी, हुन मैं तेरा मुंडा वेख्या एडा टिड कड। यार मेरे इतने प्यारी टैडी को बातें हो रही है, इतना वो क्यूट सज के बैठा हुआ है, सबसे ज्यादा मोटा तो उसका मुंह है, मुंह और कान नीचे लटके हुए हैं, देखें तो सही, पेट भी लटका हुआ है, कान भी लटके हुए हैं, तो तुमने किस खुशी में मिर्ची के साथ रिश्ता करना है? खबरदार मेरे टैडी को कुछ कहा भी, मिर्ची भी आल है, हवा भरी हुई है इसमें, उसे दुनिया की हवा लगी हुई है, उसके अंदर भी हवा भरी हुई है, समझ रहे हो? समझ रहा हूँ। आले जरा मुझे उसके भी सौ कमियां निकालूंगी। इतनी स्मार्ट सी मिर्ची है, मुझे स्मार्ट है, उसकी टांगे पतली है, मुंह मोटा है, सर जैसे तरबूज को ही। हम हवाओं की बात करियो, हमारी मिर्ची इंडिपेंडेंट है, समझ आई? अपना एक होता है जैसा लड़का पकड़ो और जाओ अपने कमरे में। अभी मिर्ची की माँ को आ लेने दो, मिर्ची को आ लेने दो, लड़का राजी,
जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? मियां बीवी आले तो मैं सिर्फ रिश्ता कराया और मैं कुछ नहीं की। हमारी लड़की तो भाई से पढ़ के आई है, तो तेरे ने पता नहीं मैट्रिक भी किया है कि नहीं। चंगा कमांड है, बस यही मैटर करता है, तो गवर्नमेंट की जॉब लगी हुई है, मुंडिया वास्ते यही काफी होता है। ये यहाँ पे कौन आया हुआ है? हमने आपको कल बताया था ना फोन करके, मोटे वर्ड वापिस मिर्ची लेकर आए। मिर्ची पर्दे में रहती है, वो नाम महरम के सामने नहीं आ सकी, उसकी हालत। अच्छा कल तो नंगी हो गए, कल तो मिर्ची नंगी हो गए, पूरा यूट्यूब पे चल रही थी। कपड़े पहने हुए उससे येलो कलर के, आपको नहीं पता? वो येलो कलर की नंगी की नंगी है, मेरे तो टैली ने फिर भी ऊपर वेस्टकोट पहने कपड़े, उसके नीचे बॉडी ऊपर येलो उसका ड्रेस है। तो मैं एक बात बताऊं, इसने मुझे दिया था 50,000 रुपया कि मैं तुम्हारे इसके लड़के का रिश्ता करा दूं तुम्हारी मिर्ची से। नहीं, मैंने इसका लड़का देखा नहीं था, मैंने कहा चल लिया 60,000 करा दे। बाजी ने 60,000 जेब च पहनी पई सी, ते मुंडा देखन तो बाद 1.5 लाख भी काटे निकल जाए। पहली बात अंबानी के बेटे जैसा लग रहा है, अंबानी के बेटे आनंद अंबानी जैसा नहीं, उसकी तो सिर्फ टांगे मोटी थी। दूसरी बात इसकी, लेकिन दौलत अंबानी के बेटे कैसी नहीं है, तो मैं बिल्कुल रिश्ता नहीं दूंगी क्योंकि मैं पैसा देखती हूँ। तेरे को अभी मिर्ची हैगी है, राधिका नहीं हैगी, जरा तो एडी गल्ला कर ले। वो अबू धाबी से आई हुई है, ये पता है अमेरिका इंटरनेशनल है वो। नहीं, एक तो लड़के वालों को घर बुला लिया अपने, ठीक है, और लड़के वालों को घर बुला के बेइज्जती हो रही है, दिस इज नॉट द थिंग। पहली बात तो हमने आपको कहा नहीं आप रिश्ता लेके आए, वो रिश्ते वाली ने मुझे कहा है, मेरे से 50,000। एक भी मैंने आपसे कहा है कि मुझे रिश्ता चाहिए, बताएं आप। ये रिश्ते वाली अच्छे, मेरा 50,000 रुपया कर खराब नहीं, उसका रंग देखो, रंग रूस पीला हुआ, बड़ा खून की कमी है, उसे क्यों मार रही हो? नहीं बाजी, इतने नखरे ना करो, दिखा दो, दिखा तो दो बाजी, ऐ मुंडे दी अखां ते पट्टी बंद। हाय हाय हाय, सही होके बैठा मेरा टेडी, अब इसको ड्राई क्लीन की भी जरूरत है काफी। ये पूरी आ नहीं रही है ठीक से, इतने मोटे को मैं कैसे दे दूं मिर्ची? अरे पहले लेके तो आओ ना, तुम्हारी भी देख लेते हैं। बाजी दिखा दो, 60,000 ले आया मैं, दिखा दो। तो मुंडे दी मां ने भी लड़की पसंद की, पहले दिखाओ तो सही पसंद की, उसकी शक्ल से ही लग रहा है मुझे, तो दिखाओ कि ये कमाता कितना। तो बेटे अच्छे भी नहीं ना, तो उनको लड़की हाई लेवल की चाहिए, लड़की हाई लेवल की चाहिए। हमारी मिर्ची बाहर की है तो जरा थोड़ी सी नखरे वाली है, ध्यान जरा लेके आओ जरा मिर्ची। भाई इनका मिलाप होने वाला है, धूम तरारा। मिर्ची लेके आ रही है, मेरा जो मेरी रोजी ना लाल हो जाएगी। ठीक है, मैंने नहीं लिए थे पैसे, देखो। हाँ, मैंने सास ससुर को अपने पैसे। मिर्ची भी कड़ा सौदी है, तू मैंने 60,000 दिता सी ना, ते मिर्ची तेरे को लानी है, तू मैंने 60 और दे, मैं तेरे को ब्याह करा दे। आ गई भाई मिर्ची, आए अल्लाह। एक मिनट टच ना, बाजी उन्होंने तो कहा था मिर्ची के अंदर भरा हुआ है फॉर्म, लेकिन मिर्ची के ना तो भरी हुई है हवा। जी जदीद दौर की है, ले साथ तो बिठाओ। बाजी वो बहुत प्यारी है, वो बहुत बड़ी भी है, उसके लिए बहुत छोटा है। अच्छा मिलाप नहीं लग रहा हमें कोई, लेकिन चलो उन्हें आपस में बैठ के थोड़ी एंजॉयमेंट कर लेने, तो बातें कर लेने, तो इनके लिए रिश्ता पक्का हो गया, तो हम करवा देंगे। अरे क्या ये भालू से बदबू आ रही, मुझे ऐसे लग रहा है कि भालू और मिर्ची की ऑलरेडी सेटिंग थी, दोनों ने ट्विनिंग की हुई है। ट्विनिंग कैसे? उसका सर की पोनी और इसका जैकेट मैचिंग। खबरदार नहीं मिर्ची पे इल्जाम लगाया, वो बहुत अच्छे घर से है। मिर्ची है ना, वो पाकिस्तानी लड़के को पसंद ही नहीं करती। क्यों? चलो बाजी रोला छोड़ो, रिश्ता पक्का करो, रिश्ता पक्का करो, रिश्ता पक्का करो, रिश्ता पक्का। ऐ ते लोकी कमेंट से दसनगे कि एना दोवां दा ठीक लगन डया के नहीं। चलो चलो बाजी, तेरे कोलो भी रिश्ता पक्का हो, तेरा कोलो कैसे ला। नहीं, एक सेकंड, रिश्ता लड़के वालों की तो डिमांड सुन ली जाए ना, तुम्हारी तरह से 60,000 तुम्हारी। नहीं 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 नहीं, लड़के वालों की तो डिमांड ने मिर्ची को बनाना क्या आता है, सफाई सुथराई कर लेती है। एक सेकंड, मेरा लड़का है ना, उसके दो बाजू है, दो टांगे है, ठीक है, टुंडी मुझे टुंडी अपाइज मिर्ची है इसकी, ना तो मिर्ची के बाजू है तो ना ही मिर्ची की टांगे है, ठीक है, और सिर्फ और सिर्फ सर लगा हुआ है इसको, मिर्ची है उसका नाम यार, कि बाजू ही नहीं है, मैं कैसे टुंडी लड़की को ले जाऊं? कुछ पूरा अंदर ये मोटा जा, मेला जा। अल्लाह का शुक्र है दो टांगे है और दो बाजू है मेरे मिर्ची के। बोलते मिर्ची बोल दी, बात कहूँ तुम्हारी मिर्ची उससे ज्यादा मोटी है। हाँ मिर्ची इसकी ज्यादा मोटी है, देखो दूर बैठी मोटी जा, अंदर उसके फॉर्म नहीं है, अंदर उसके हवा भरी हुई है। हवा नहीं, क्योंकि जदीद दौर की मिर्ची है वो देखो गंदा मैला, हटे थो तू मत मारे उसको मैम। हाय मैं मर गई, माँ कॉल खिलौती है तो मिर्चू ने देखो बावा नाल बावा डाल के पीछे हो मेरे बच्चे पे डोरे डाल रही है। आ जाएगी क्या होगा, मेरे बेटे को दूर रखेगी, मैं
शादी करानी है मुझे लक्षण तुझे शक्ल से तरसा हुआ लग रहा है पहली बात है। मेरे बेटे ने कहा था मुझे बस लड़की ला दो जिसकी सांसें चलती हो। सारा पता है की सांसें नहीं चलती। मुझे सारा पता है आपको नेशनलिटी चाहिए बाहर की इसीलिए रिश्ता लेके आए हैं आप। बाजी तुहाडे कोल आप नेशनलिटी नहीं है तुसी सानू की दबोगे हटो इत्थों। अबू धाबी दी नेशनलिटी ओ अबू धाबी ओ सुट्टी हुई है इत्थे तदों आई है आई नहीं हैगी स्पेशल। एक मिनट मिर्ची मैनू कुछ कहना चाहती है। अच्छा वो कह रही है उसे शादी के बाद अलग घर में रहना उसकी शर्त है ये। हैं नहीं 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 अब वो कह रही है कि शर्त है पूरी ये छोटी शर्त नहीं है ये मैंने मुझे मिर्ची चाहिए थी अपने टैडी के साथ दूसरी साइड पे सोए ताकि मैं इनके दरमियान में सोऊं ठीक है लेकिन ये तो मिर्ची अलग कमरे की डिमांड और घर की डिमांड कर रही है सॉरी टू से लेकिन मैं थोड़े पुराने ख्याल आपकी मालिक हूँ ये सब नहीं बाजी बस मैं ये कहूंगी तुसी भी 60,000 इत्थे रखो तुसी भी रखो ते मैं चल गई मैं चंड ना रखा मुंह ते बोले रिश्ता आए तेन पैसे पहले ही रख दवा मैं हाथ से लेकिन माशाल्लाह कमांदा बड़ा अच्छा गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है गवर्नमेंट जॉब मिर्ची साड़ी पढ़ी लिखी कंपटीशन तो दुकान से बंदी है। पहले तो मैंने सोचा था कि मिर्ची का रिश्ता ले लिया जाए टैडी के लिए क्योंकि घर की देखी वाली लड़की थी लेकिन नहीं, अब मैं कह रही हूँ कि बच्चे एक दूसरे को पसंद करने लग गए तो फिर कर ही दें रिश्ता। नहीं 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 मुझे टैडी के लिए अब कोई पिंक टैडनी ही चाहिए क्योंकि मिर्ची ना तो काम करती है पहली बात उसके बाजू ही नहीं है और उसमें हवा तो भरी हुई है ठीक है बच्चियों को प्रिंसेस ट्रीटमेंट ही मिलनी चाहिए। तो बाजी बच्चियों के हाथ पांव भी होना जरूरी है कि नहीं। बाजी उसका सर तो है ना आपसे भी लंबा। मेरी समझ से बाहर है मिर्ची और टैडी का रिश्ता भाई। अभी शादी नहीं हुई और अभी से चिपक के तू तू मैं तेन रिश्ता कराने इतने लैके आई हाँ ठीक है तो तू आपकी आवार पर चल कर तू ते वापस तेरा शादी नहीं हो सकती ठीक है तू इतने रख तेरा तो मैं बाद चो साफ कर अपनी मर्जी दी बगैर उखान तो लिया अब देख रहे हैं बाजी मेरा तो दे दो चलो यार मिर्ची का रिश्ता विश्ता जो है ना वो हमने रिजेक्ट कर दिए हमें वो लड़की अच्छी नहीं लगी। अब पिंक टैडी जो है हम लेकर आएंगे और शादी करेंगे टैडी की। भाई बहुत से लोगों की डिमांड थी टैडी शादी टैडी शादी टैडी की शादी होकर रहेगी ठीक है। और यहाँ पे मामा जो है ना किचन में क्या बना रही है वही लेग पीस फ्राई हो रहे हैं यार चिकन के जो मैंने कहा था एक मेरा मामा ज्यादा सारे ले आई है। और यहाँ पे ये क्या पड़ा हुआ है ये देसी टोटका देसी टोटका नहीं ये देसी मखाने होते हैं पता नहीं मखाने जिन्हें खाने होते ना ये वो होता है हड्डियों में दर्द नहीं होती जो खाके खाते रहो तो आप जो है वो सेहतमंद रहते हो और अच्छे रहते हो। तो यार इसी के साथ जो है ना वो आज के व्लॉग को करते हैं खत्म। होप सो यू लाइक द व्लॉग। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करो कमेंट करो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।